आज से 60-70 साल पहले तक हम सोलर सिस्टम को वैसे नहीं देख सकते थे जैसे अब देख रहे हैं। ज़मीन पर मौजूद धुंधली टेलीस्कोप से लेकर सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ सियारों पर भेजे गए मिशंस तक, इन सियारों की काफ़ी हैरानकुन तस्वीर हमारे पास आ चुकी हैं, जिनको देखने के लिए दिल थाम कर बैठ जाएं। 10,000 डिग्री फारेनहाइट के सतही टेम्परेचर के साथ साथ 2,07,00,000 यानी कि 27 मिलियन डिग्री फारेनहाइट के कोर टेम्परेचर के साथ सूरज हमारे सोलर सिस्टम का मरकजी स्टार है, जिसके गिर्द सब प्लैनेट्स घूमते हैं। सूरज की पहली हैरानकुन तस्वीर, जिन्हें हमने कभी नहीं देख रखा था, वो सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने हमें भेजी थी। उनमें से एक तस्वीर में सूरज की सतह से 900 मील की रफ्तार से खारिज होने वाले मटेरियल को आप देख सकते हैं। 30 ज़मीनी दिनों के बराबर एक दिन रखने वाला मरकरी पहले नंबर पर मौजूद प्लैनेट है, जिसकी सतह का टेम्परेचर 117 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो सियारा है जहाँ पर किसी किस्म के जलजले नहीं आते, मगर यहाँ पर आतिशफशां या फिर वॉल्केनो मौजूद हैं। क्या आपको पता है, सूरज से 66 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये प्लैनेट काफ़ी धब्बे रखता है, जो कि शहाबियों के गिरने की वजह से बने हैं। सूरज से हद से ज़्यादा करीब होने की वजह से नासा या फिर दूसरे खलाई अदारे यहाँ पर किसी किस्म का भी स्पेस मिशन भेजने से डरते हैं, क्योंकि इन मिशंस के नाकाम होने के इम्कान हद से ज़्यादा होते हैं। 2011 में भेजे गए मैसेंजर मिशन ने इस प्लैनेट की काफ़ी हैरानकुन तस्वीर भेजी हैं, जिनमें हम वेनाइक क्रेटर देख सकते हैं, जो कि 270 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं पे क्लोरस बेसन भी आप देख सकते हैं, जो कि 1550 किलोमीटर डायामीटर रखता है। 10,000 से ज़्यादा पिक्चर्स भेजने के बाद मैसेंजर मिशन ने जानबूझकर मरकरी में छलांग लगा दी और यूं ये तबाह हो गया, क्योंकि इस मिशन की उम्र पूरी हो चुकी थी। मरकरी सूरज का नज़दीकी प्लैनेट तो है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्म प्लैनेट दूसरे नंबर पर मौजूद वीनस है। वीनस इतना गर्म प्लैनेट है कि यहाँ पर कोई मिशन भेजना मरकरी से भी ज़्यादा मुश्किल था। पहले दो मिशन्स की नाकामी के बाद वनेरा 13 मिशन वीनस पर कामयाबी से उतरा। उसने 121 मिनट तक इस प्लैनेट की रंगीन तस्वीर भेजी। इन तस्वीर की तादाद 360 थी। इसके बाद ये मिशन वहाँ के हार्ड टेम्परेचर की वजह से तबाह हो गया था। वीनस के यूं हार्ड प्लैनेट होने की वजह यहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि इसको जहन्नम बना रही हैं, और इसकी सतह का टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड है। 40 साल पहले रूस की तरफ से भेजे गए वनेरा 13 मिशन का एस्टिमेट था कि ये 30 मिनट में तबाह हो जाएगा, मगर ये 121 मिनट तक हमें पिक्चर्स भेजता रहा। इसके बाद नासा ने मैगलान मिशन भेजा, जिसने हमें वीनस पर होने वाली आतिशफिशानी, जलजलों और यहाँ पर बहते जहन्नमी दरियाओं या फिर लावा चैनल्स की तस्वीर भेजी। उनमें से एक जहन्नमी दरिया 7700 किलोमीटर लंबा है। मैगलान मिशन भी मरकरी पर भेजे के मैसेंजर मिशन की तरह अपना काम मुकम्मल करके सियारे की सतह से टकराकर तबाह कर दिया गया था। सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट हम हर रोज़ देखते हैं, मगर उसकी हैरानकुन तस्वीर खींचने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है और यूँ हम स्पेस से अपनी ज़मीन की तस्वीर देख पाते हैं। ये वो वाहद प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन की कई कलर तस्वीर ऐसी हैं जिनको देखकर आप हैरान हो सकते हैं, और ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है चांद की डार्क साइड और ज़मीन की एक साथ ली गई तस्वीर है, जिसमें आप नीली ज़मीन को देख सकते हैं। इसके अलावा इस नीले प्लैनेट की कई तस्वीर हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं। उनमें से सबसे अच्छी कौन सी है वो आप बता सकते हैं। मार्स सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। सुरख सियारे की पहली तस्वीर वाइकिंग 1 ने ली थी। 1976 में मार्स पर लैंड होने के बाद इस मिशन ने हमें यह तस्वीर भेजी। इन मिशंस के बाद अब मार्स पर 4 रोबोट्स भी मौजूद हैं, जो कि हमें मार्स की हैरानकुन तस्वीर भेज रहे हैं। बाद में इन तस्वीर को जोड़कर हम वीडियो भी बना चुके हैं, जिसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा क्यूट ये मार्स रोवर की सेल्फी ही हो सकती है। सोलर सिस्टम का पाँचवा प्लैनेट जुपिटर एक गैस जायंट है, जिस पर 300 साल से तूफान चल रहा है। ये तूफान इतना बड़ा है कि ये ज़मीन को भी निकल सकता है, मगर इस तूफान के साथ साथ जुपिटर के नॉर्थ पोल पर 8 तूफान और भी हैं। ये 8 तूफान एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं और इनको हम जूनो मिशन के बगैर कभी नहीं देख सकते थे। इसके अलावा जूनो मिशन ने हमें जुपिटर पर आए सबसे बड़े तूफानों की भी तस्वीर दिखाई हैं।
मगर इस साल हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जुपिटर पर बने अरोरास का भी दीदार कराया है। ये तस्वीर अब तक की जुपिटर की सबसे प्यारी तस्वीर हो सकती हैं, जिनमें हम तूफान को भी क्लियरली देख सकते हैं। सैटर्न का नंबर तो छठा है, लेकिन अगर हम तस्वीर की बात करें तो इसकी वॉलपेपर पर लगाने वाली बनती हैं। सैटर्न की सबसे प्यारी तस्वीर कसिनी मिशन से खींची गई ये तस्वीर थी, जिसमें सूरज की रोशनी में छुपे सैटर्न को आप देख सकते हैं। कसिनी मिशन का मकसद सैटर्न का ही मुताला था। उसने हमें इसकी रिंग्स की काफ़ी प्यारी प्यारी तस्वीर भेजी हैं। उनमें से एक तस्वीर इस पुरसरार हेक्सागोन की भी है, जिसके बनने के प्रोसेस को अभी तक साइंसदान नहीं समझ पाए हैं। यूरेनस वो गुमशुदा प्लेनेट है जो कि सोलर सिस्टम में सातवें नंबर पर मौजूद है। ये एक बर्फानी दुनिया है जो कि रिंग सिस्टम भी रखती है। इस खामोश बर्फानी दुनिया की बेहतरीन तस्वीर में केक और हबल टेलीस्कोप की तस्वीर मौजूद है, जिनमें हम इस बर्फानी पहाड़ियों वाले प्लेनेट और इसकी रिंग्स को देख सकते हैं। वहीं पे ये सफ़ेद निशान अरोरास के हैं। आठवें नंबर पर मौजूद नेपच्यून प्लेनेट सूरज और हमसे इतना दूर है कि इसकी तस्वीर हमारे पास ना होने के बराबर है। इसकी करीबी तस्वीर वॉयजर 2 ने भेजी है, जिसमें यहाँ पर आए तूफानों के साथ साथ यहाँ बने बादलों को भी हम देख सकते हैं। हमसे हद से ज़्यादा दूर होने की वजह से इस प्लेनेट के हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ज़मीन से खींची गई इस तस्वीर और हबल की इस तस्वीर के सिवा कोई ख़ास तस्वीर मौजूद नहीं है। प्लूटो हमारा आखिरी और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा प्लेनेट है, जिसको कोई प्लेनेट ही नहीं मानता, मगर उसकी न्यू होराइजन टेलीस्कोप की मदद से खींची गई ये तस्वीर काफ़ी हैरानकुन है। या फिर उसकी पहाड़ियों की ये वाली वीडियो, या उसकी अपने चांद शेरॉन के साथ ली गई ये इन्हांस्ड तस्वीर। इन तस्वीर के अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से मुस्तकबिल में आने वाली काफ़ी हैरानकुन तस्वीर बाकी हैं। इंसान जो कभी रातों को इन सियारों को देखकर हैरान हुआ करते थे, आज उन पर अपने रोबोट्स भेजकर उनकी तस्वीर खींच रहे हैं।